आज हम बात करने वाले ट्रेन नंबर 14009 जो कि बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल को जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। इस ट्रेन से सफ़र करने वाले पैसेंजरों के लिए आ चुकी है बड़ी अपडेट, तो चलिए जानते हैं पूरे विस्तार में आखिर क्या है यह अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। रेलवे लगातार आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण कर रही है और इसी बीच रेलवे बिहार के यात्रियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल ट्रेन नंबर 14009 के साथ चलने वाली बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन जो कि सत्याग्रह स्पेशल ट्रेन है, इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाने वाली है और ऐसे में रेलवे एवं अन्य यात्रियों को इस ट्रेन का सुविधा मिलेगा और जिसकी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। इसी दौरान बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर सांसद एवं रेल संबंधी अधिकारी की अध्यक्षता में यह बातें रखी गई। आपको बता दें कि यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन के जगह अब दो दिन चलेगी। ट्रेन नंबर 14009 के साथ आप इस ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं बापूधाम मोतिहारी से। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से भी इस ट्रेन की बुकिंग हो चुकी है चालू। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सायपुर कमाल और उमेश नगर स्टेशन पर पटरियों के बीच मिट्टी का कटाव हो रहा है और इसी को देखते हुए पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए इस रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों का भी परिचालन नए रूट से किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस रूट से वो सभी ट्रेनें वापस चलेंगी जिनका परिचालन पहले से देखने को मिलता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है और इसके लिए रेलवे अधिकारी जुटे हुए हैं और जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब नई ट्रेनों का डिटेल्स के लिए।